हम नेहरू लोकस के लिए एक कंस्ट्रक्शन रूल देखे थे कि हम किस तरह से रूप लोकस को बनाएंगे। उसमें हमने कई पॉइंट देखे थे, क्या क्या देखे थे। सबसे पहले देखा था कि भाई सिमेट्री होता है विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। फिर इसके बाद में हमने देखे थे कि भाई रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होती हैं, रूट लोकस ब्रांचेस टर्मिनेट कहाँ पर होती हैं, रूट लोकस ब्रांचेस ओपन लूप जीरोज पर टर्मिनेट होंगी, और यदि ओपन लूप जीरोज कम है तो कहाँ टर्मिनेट हो जाती है, वो इन्फिनिटी पर जाकर टर्मिनेट हो जाती है। और जो रूट लोकस ब्रांचेस इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होती हैं उनको हम बोलते हैं एसिम्प्टोट्स, राइट। तो अब बात आती है कि भाई एसिम्प्टोट्स तो आ गई, कितनी एसिम्प्टोट्स होंगी, पोल माइनस जीरो के बराबर एसिम्प्टोट्स होंगी। अब ये जो एसिम्प्टोट्स होंगी वो किस एंगल से पास होंगी वो हमने निकाला था, ठीक है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाला था। बात आई समझ में। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स के बाद में हमने देखा था कि भाई ये एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स तो आ गया, लेकिन ये जो एंगल बनेंगे वो किस पॉइंट से बनेंगे, वो कहलाता है सेंट्रोइड। हमने सेंट्रोइड पॉइंट निकाला, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा एक ब्रेक अवे पॉइंट की, भाई ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है, जहां पोल आकर ब्रेक हो जाते हों, दूर दूर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए हमने दो तरह से फॉर्मूला देखा कि यदि जीरोज अवेलेबल नहीं है तो हम ब्रेक अवे पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, जीरोज अवेलेबल है तो ब्रेक अवे पॉइंट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। बात आई समझ में, ठीक है। अब हम इसी सेशन में देखते हैं कि भाई कोई एक सिस्टम दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोई एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम रूट लोकस किस तरह से डिजाइन करते हैं, ये चीज हम पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस, ठीक है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस, इसका हमें रूट लोकस डिजाइन करना है। बात आई समझ में। तो सबसे पहले मैं इसमें यदि डिस्कस करूं तो क्या कोई जीरो अवेलेबल है, जीरो है, कोई जीरो अवेलेबल नहीं है, जीरो जीरो के बराबर, राइट। यदि मैं पोल की बात करता हूं, पोल पोल कितना हो जाएगा, पोल के लिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको जीरो के बराबर करेंगे, वहां से जो एस की वैल्यू आएगी वो कहलाएगी पोल। तो एस जो पोल है वो कितने आए, वन आए, और उसकी लोकेशन क्या आई, एस इज इक्वल टू जीरो, राइट। पोल को हम बोल रहे थे सपोज एन, और जीरो को हम बोल रहे हैं एम। तो क्या हम बता सकते हैं एन माइनस एम कितना होगा, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पोल्स हो गए वन, नंबर ऑफ जीरो हो गई जीरो, दैट इज वन। बात आई समझ में। अब हम यहां से ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इससे हम क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस, राइट। तो यहां से यदि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, वन प्लस जी ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालें तो वन प्लस के अपॉन एस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज एस प्लस के अपॉन एस इज इक्वल टू जीरो, और यहां से एस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस के बराबर है। बात आई समझ में। हमारे पास रूट लोकस की क्या डेफिनेशन होती है, रूट लोकस की डेफिनेशन ये है कि आप क्या कीजिए, सिस्टम का जो गेन है ये हो गया सिस्टम गेन के, ये जो सिस्टम का गेन है इस गेन की वैल्यू को चेंज कीजिए कहां से कहां तक, फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो से इनफाइनाइट पर जब हम गेन की वैल्यू को चेंज करेंगे तो वहां से जो हमें रूट्स मिलेंगे उन रूट्स को आप लोकेट करते जाइए, राइट। और उन सारे पॉइंट्स को यदि हम ट्रेस कर देंगे तो वो कहलाएगा रूट लोकस। यहां से हमें पता लगा कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी इसमें जो रूट था उसकी लोकेशन थी माइनस के। अब हम क्या करते हैं इस सिस्टम में के की वैल्यू को जीरो के बराबर करते हैं। हम यहां से रूट लोकस बना रहे हैं अभी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, हम अभी कंस्ट्रक्शन रूल्स जो दिए थे वहां से रूट लोकस डिजाइन नहीं कर रहे हैं। हम जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी रूट लोकस की
उस डेफिनेशन से हम रूट लोकस बनाना चाह रहे हैं कि इस के अपॉन एस सिस्टम के लिए रूट लोकस क्या होगा, तो यहां से हमें रूट पता लग गए कि रूट की वैल्यू क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस के, राइट। अब हम क्या करते हैं, पुट के इज इक्वल टू जीरो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले के को जीरो पुट कर देते हैं। हमें क्या करना था, के को जीरो से इंफिनिटी तक लेके जाना था। सबसे पहले मान लो मैंने के को जीरो के बराबर किया तो जो एस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। एस इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू जीरो पुट किया, एस इज इक्वल टू जीरो। पर हम के की वैल्यू को इंक्रीज करते गए, सपोज के इज इक्वल टू 1/2। यदि k की वैल्यू 1/2 है तो अब रूट की लोकेशन क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू माइनस 1/2। बात आई समझ में, s इज इक्वल टू माइनस 1/2। सपोज k की वैल्यू को और इंक्रीज किया, सपोज k विल बिकम इक्वल टू 2, तो s कितना हो जाएगा, माइनस 2। इसी तरह से इस k की वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज होती जाएगी। सपोज k इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो जो s होगा वो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। आपको जब हमने k की वैल्यू गेन जो है k उसकी वैल्यू को जीरो से इंफिनिटी तक इंक्रीज किया तो हमें रूट पता लग गए, जीरो, माइनस वन बाई टू, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस थ्री। जैसे जैसे गेन बढ़ता गया वैसे वैसे रूट की जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता गया। और किस डायरेक्शन में बढ़ा, नेगेटिव डायरेक्शन में। ये जो रूट लोकेशंस आई हैं, क्या इनमें कोई इमेजिनरी टर्म है, कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है, ये केवल और केवल रियल टर्म है। तो ये जो सारे रूट होंगे ये कहां लाई कर रहे होंगे, ये केवल और केवल नेगेटिव जो रियल एक्सिस है उस पर लाई करेंगे। जैसे जैसे गेन बढ़ता गया वैसे वैसे रूट की लोकेशंस भी बढ़ती गई। तो यदि अब हम इन पॉइंट्स को सबको हमारे रूट लोकस पर, हम पॉइंट्स को सबको एस प्लेन में ड्रॉ कर दें और एस प्लेन में ड्रॉ करने के बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो वो कहलाएगा रूट लोकस, राइट। ये हो गया सिग्मा एक्सिस, दिस इज जे ओमेगा एक्सिस। एस प्लेन में दो एक्सिस हो गई, रियल एक्सिस और दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। सबसे पहले मैंने गेन k की वैल्यू को जीरो पुट किया, रूट कहां मिला हमें, जीरो पर, ये मिल गया रूट जीरो पर। यदि k की वैल्यू को मैंने 1/2 किया तो रूट कहां मिला, माइनस 1/2 पर, माइनस 1/2 यहां कहीं होगा, ये हो गया माइनस 1/2। k की वैल्यू को मैंने 2 बढ़ाया, s माइनस 2 हो गया, सपोज दिस इज माइनस 2। k की वैल्यू यदि 3 होती तो रूट माइनस 3 हो जाता, ये माइनस 3। मीनिंग क्या हुआ, और k की वैल्यू इंफिनिटी होती तो s का क्या हो जाता, माइनस इंफिनिटी। ये पॉजिटिव इंफिनिटी लें तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, मतलब ये डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम गेन की वैल्यू को बढ़ाते गए, गेन की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाते गए तो जो रूट है वो नेगेटिव रियल एक्सिस पर बढ़ता गया। तो क्या हम बना सकते हैं कि यदि इन सभी पॉइंट्स को मैं ड्रॉप कर दूं तो ये पॉइंट क्या कहलाए, ये जो लोकेशन होगी वो क्या कहलाएगी, रूट लोकस। तो जैसे जैसे गेन बढ़ता गया वैसे वैसे रूट किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूट लोकस। बात आई समझ में, गेन के बराबर जीरो पर जीरो था, 1/2 पर 1/2, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, इस तरह से। जैसे जैसे यहां से यहां जाने पर गेन जो है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे गेन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रूट लोकस भी नेगेटिव रियल एक्सिस पर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन जो अभी हमने पढ़ी उसमें हमने क्या बोला कि जो हमारे पास बेसिक गेन जो है उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज करते जाओ, रूट की लोकेशन पता करते जाओ, उन सारे पॉइंट्स को ट्रेस कर दीजिए, वो कहलाएगा रूट लोकस। ये तो कहानी हुई जो अभी हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी उससे। अब हम बात करते हैं जो हमने कंस्ट्रक्शन रूल्स देखे थे वहां से भी क्या यही रूट लोकस बनेगा, क्यों, यदि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम है वहां हम डायरेक्टली रूट निकालकर उन रूट को लोकेट कर देंगे और रूट लोकस बना लेंगे। लेकिन यदि हायर ऑर्डर सिस्टम आ जाता है तो हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए हर बार रूट निकालना इतना ईजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन रूल्स को काम में लेंगे। तो मैं इस k/s जो फंक्शन है, इस k/s फंक्शन के लिए हम कंस्ट्रक्शन रूल से देख रहे हैं कि किस तरह से इसका रूट लोकस बनेगा, राइट। अब देखिए,
जी ऑफ एस क्या है हमारे पास, जी ऑफ एस हो गया के अपॉन एस, राइट। नंबर ऑफ जीरोज, पहली चीज जीरोज कितने हैं इस सिस्टम में, इस सिस्टम में कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, दैट मींस दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, राइट। नंबर ऑफ पोल्स, देखिए इस सिस्टम में पोल कितने हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को मैं जीरो के बराबर कर दूं तो वहां से एस की जो वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी पोल, तो यहां पोल कितने हो गए, वन। नंबर ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं एम, नंबर ऑफ पोल्स को हम बोलते हैं एन, राइट। आपको एन पता लग गए, एम पता लग गए। यदि मैं इस पोल की लोकेशन पता करना चाहता हूं कि जो ये ओपन लूप पोल है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो इस ओपन लूप पोल की लोकेशन क्या होगी, तो पोल की लोकेशन किस तरह से पता करें, डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो के बराबर कर दें, एस की वैल्यू, पोल की लोकेशन आ जाएगी, इसको हमने जीरो किया तो एस बराबर कितना आया, जीरो। मतलब जो ओपन लूप पोल है वो कहां एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो पर। बात आई समझ में, ये तो अभी हमने नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ पोल्स पता कर लिए। अब हम देखते हैं हमारे रूल्स क्या क्या थे। पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि जो ये रूट लोकस होगा वो विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस सिमेट्री होगा, राइट। दूसरा हमने ये पता किया था कि जो रूट लोकस ब्रांचेज होंगी वो कितनी होंगी, तो हमें पता लगा कि जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी रूट लोकस ब्रांचेज होंगी। तो यदि सिस्टम को हम देखें तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, n इज इक्वल टू वन, तो रूट लोकस ब्रांचेज कितनी हो गई, वन। रूट लोकस ब्रांच इज इक्वल टू वन। पॉइंट नंबर थ्री क्या बोला था कि ये जो रूट लोकस ब्रांचेस होंगी ये कहां टर्मिनेट होंगी, ये टर्मिनेट होंगी ओपन लूप जीरोस पर या फिर इंफिनिटी पर, यही पढ़ा था हमने। अब देखिए यहां रूट लोकस ब्रांचेस कितनी हैं, वन। क्या यहां कोई जीरो अवेलेबल है, यहां कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है। तो ये जो वन ब्रांच है, एक जो ये ब्रांच है, क्या ये किसी जीरो पर जाकर टर्मिनेट हो सकती है, जब जीरो ही अवेलेबल नहीं है तो ये उस जीरो पर जाकर टर्मिनेट भी नहीं हो पाएगी। तो अब ये कहां टर्मिनेट होगी, ये टर्मिनेट होगी इंफिनिटी पर। जितनी ब्रांचेज इंफिनिटी पर टर्मिनेट होंगी वो कहलाएंगी एसिम्प्टोट्स। तो क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स का नंबर क्या होगा, एसिम्प्टोट्स होती है एन माइनस एम के बराबर। क्यों, जितने पोल हैं उसमें से जितने जीरो मिली वो पोल तो उस जीरो पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी, रेस्ट ऑफ द जो ब्रांचेज रहेंगी वो इंफिनिटी पर जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। तो यहां से हमें पता लगा वन माइनस जीरो दैट इज हाउ मच, वन। एक जो ब्रांच है वो क्या होगी, एसिम्प्टोट्स, मतलब एक ब्रांच कहां टर्मिनेट होगी, इंफिनिटी पर जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ये जो एंगल ऑफ डिपार्चर है या एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, भाई अब हमें ये पता लग गया कि ये जो एक ब्रांच है वो इंफिनिटी पर जानी, ये तो अब हमें पता लग गया। लेकिन अब बात आती है कि भाई ये एंगल किससे जाएगी, क्यों, हमारे पास जो एस प्लेन है उस एस प्लेन में चारों तरफ इंफिनिटी है, ठीक है, तो किस एंगल से ये इंफिनिटी की तरफ मूव करेगी, वो हम कहां से पता करते हैं, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स से, एसिम्प्टोट्स से। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यदि एक सिंगल एसिम्प्टोट्स है तो उसके लिए एंगल कितना आता था, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आता था 180 डिग्री। बात आई समझ में, तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट हो गया 180 डिग्री, ये कहानी भी क्लियर। अब बात आती है कि भाई एंगल भी पता लग गया कि 180 से जाएगी, लेकिन अब कहानी ये है कि भाई किस पॉइंट से जाएगी, ठीक है, किस पॉइंट से ये 180 की तरफ जाएगी, जीरो से जाएगा, टू से जाएगा, फाइव से जाएगा, माइनस फाइव से जाएगा, किस पॉइंट से ये 180 की तरफ मूव करेगी, तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम निकालते थे इसका सेंट्रोइड,
सेंट्रोइड पॉइंट कैलकुलेट करते थे। सेंट्रोइड पॉइंट क्या बताता कि इस पॉइंट से जाकर ये एसिम्प्टोट्स इंफिनिटी की तरफ मूव कर जाएगी। सेंट्रोइड किस तरह से निकालते थे, सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या था कि आपके पास जो भी ओपन लूप पोल्स हैं उन सब का सम कर दीजिए, राइट, माइनस जो भी ओपन लूप जीरोस हैं उनका सम कर दीजिए, डिवाइड बाय एन माइनस एम। तो यदि इस सिस्टम को देखूं मैं, ओपन लूप पोल्स कितने आए, वन, इनकी लोकेशन क्या आई, जीरो, इन सब का सम कर दीजिए, मतलब जीरो का एडिशन कितना हुआ, जीरो, माइनस सम ऑफ ओपन लूप जीरोस, क्या कोई जीरो अवेलेबल है, जीरो कोई भी अवेलेबल नहीं है, दैट इज जीरो, अपॉन एन माइनस एम, एन माइनस एम कितना हो गया, वन, तो ये वैल्यू आ गई जीरो। मतलब क्या हुआ, हमें ये पता लग गया कि ये जो एसिम्प्टोट बन रही थी जो कि किस तरह एंगल पर जा रही थी, 180 डिग्री पर जा रही थी, ये किस एंगल से जा, किस पॉइंट से जा रही है, ये जीरो पॉइंट से, मतलब ओरिजिन से ये कहां जा रही है, इंफिनिटी की तरफ, बात आई समझ। तो अब देखिए हम इसका रूट लोकस किस तरह से बनाते हैं, इसका रूट लोकस हो जाएगा ये रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, राइट। सबसे पहले रूट लोकस ब्रांच एक है, ठीक है भाई, रूट लोकस ब्रांच एक हो गया, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट भी एक हो गया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट भी 180 हो गया, और सेंट्रोइड पॉइंट जीरो हो गया, मतलब ये जो जीरो पॉइंट है इस पॉइंट से एक एसिम्प्टोट बनेगी, सेंट्रोइड पॉइंट जीरो है, एक एसिम्प्टोट बनेगी, कितने एंगल पर बनेगी, 180 डिग्री पर बनेगी, 180 वाली लाइन हो गई ये इस बार बनेगी, ठीक है, और एक ही एसिम्प्टोट है तो क्या हो गया, ये हो जाएगी इस तरह से, ये एसिम्प्टोट चलती रहेगी, बात आई समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन जो रूल्स थे उसकी हेल्प से भी हम रूट लोकस बना सकते हैं, और जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी उससे भी हम रूट लोकस डिजाइन कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी हम करें रूट लोकस एक ही निकल के आने वाला, बात आई समझ में। तो इस तरह से हम रूट लोकस डिजाइन करते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एस इज इक्वल टू के अपॉन एस प्लस ए होल क्यूब, ठीक है, के अपॉन एस प्लस ए होल क्यूब, इसका मुझे रूट लोकस पता करना है। तो अब हम जो कंस्ट्रक्शन रूल्स हैं उससे हम इसका रूट लोकस पता करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें यहाँ नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज को हम क्या बोलते हैं, एम, एम कितना हो गया, क्या इस सिस्टम में कोई जीरो अवेलेबल है, कोई नहीं है, दैट इज जीरो, राइट। नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, पोल कितने हो जाएंगे, दैट इज एन इज इक्वल टू हाउ मच पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स इज एन। यदि सिस्टम की जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम रूट निकाल सकते हैं, पोल्स क्या हो जाएंगे, ओपन लूप पोल्स, एस प्लस ए का होल क्यूब, डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो किया तो एस की वैल्यूज आ गई तीन, तो नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे थ्री। अब यदि हम इन पोल की लोकेशन पता करें, तो एस प्लस ए को मैंने जब जीरो के बराबर किया, एस प्लस ए होल क्यूब को जब मैंने जीरो के बराबर किया, तो यहां से हमें तीन पोल मिले, और इन पोल की लोकेशन क्या मिली, माइनस ए माइनस ए माइनस ए, यही मिली, ठीक है, एस प्लस ए होल क्यूब, ठीक है, एस इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए, बात आई समझ में। अब हम यहां देखते हैं कि पहली चीज कि जो रूट लोकस होगा वो रियल एक्सिस से सिमेट्री रखेगा, ठीक है, सिमेट्री हो गई। दूसरी चीज हम क्या बता करते हैं कि जो रूट लोकस ब्रांचेज हैं वो कितनी होंगी, जितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे उतनी रूट लोकस ब्रांचेज हो जाएंगी, तो रूट लोकस ब्रांच एन इज इक्वल टू, रूट लोकस ब्रांच एन के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू थ्री, राइट, थर्ड पॉइंट। अब बात आती है कि ये जो रूट लोकस ब्रांचेज होंगी वो कहां टर्मिनेट होंगी, क्या इस सिस्टम में कोई जीरो अवेलेबल है, कोई जीरो अवेलेबल नहीं है, तो ये जो तीन रूट लोकस ब्रांचेज होंगी ये किसी भी जीरो पर टर्मिनेट नहीं होंगी, क्योंकि जीरो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जीरो अवेलेबल नहीं हुआ तो अब ये कहां टर्मिनेट होंगी, ये टर्मिनेट होंगी टू द इंफिनिटी। तीन जो रूट लोकस ब्रांचेज हैं ये तीनों के तीनों ब्रांचेज कहां टर्मिनेट हो रही हैं,
इन्फिनिटी पर, तो क्या बोल सकते हैं कि इसकी जो एसिम्प्टोट्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, एसिम्प्टोट्स हो जाएंगी 3। बात आई समझ में? अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई 3 एसिम्प्टोट है। अब हम ये पता करते हैं कि भाई ये जो एसिम्प्टोट्स हैं वो किस एंगल से जाएंगी। ठीक है, चारों तरफ हमारे पास एसिम्प्टोट्स जा सकती है, तो किस एंगल से जाएंगी? तो हमने देखा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, तो लास्ट क्लास में हमने देखा यदि 3 एसिम्प्टोट्स हैं तो 3 एसिम्प्टोट्स का जो एंगल होता है वो कितना आता है, 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। यही आता है, एक 60 डिग्री पर जाएगा, एक 180 डिग्री पर जाएगा और एक 300 डिग्री पर जाएगा। ये हो गई एसिम्प्टोट्स, राइट। अब हम बात करते हैं कि भाई एसिम्प्टोट्स पता लग गई कि एक 60 पर जा रहा है, एक 180 पर जा रहा है और एक 300 पर जा रहा है। अब बात ये आती है कि भाई ये किस पॉइंट से जाएंगे। ठीक है, उस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रोइड हो गया सिग्मा ए। सिग्मा ए क्या होता है, जो भी आपके पास ओपन लूप होल्स आए हैं उन ओपन लूप होल्स का सम कर दीजिए, राइट, माइनस जितने यहां ओपन लूप जीरोस अवेलेबल हैं उनका सम कर दीजिए, डिवाइड एन माइनस एम, पोल जितने हैं उसमें से नंबर ऑफ जीरोस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अब देखिए यहां नंबर ऑफ जो ओपन लूप पोल्स हैं वो आए 3, इन सब का एडिशन, इन सब को यदि मैं ऐड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ए माइनस ए माइनस ए, दैट इज माइनस 3a। ये तो आ गया सम ऑफ ओपन लूप पोल्स, माइनस सम ऑफ ओपन लूप जीरोस, क्या कोई जीरो है, कोई जीरो नहीं है, दैट इज जीरो, अपॉन अपॉन एन माइनस एम, एन हो गया 3, एम हो गया 0, तो ये आ गया 3 माइनस 0, इसी वैल्यू आ जाएगी माइनस 3a अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू माइनस ए। मीनिंग क्या हुआ कि ये जो एसिम्प्टोट्स होंगी वो किस पॉइंट से जाएंगी, माइनस ए पॉइंट से जाएंगी। बात आई समझ में? तो अब हम इसका यदि रूट लोकस बनाए तो रूट लोकस क्या रहेगा, ये देखिए ये हो गई सिग्मा एक्सिस, दिस इज ओमेगा एक्सिस। पहले हम पोल्स बना लेते हैं, पोल कहां है आपके पास, 3 पोल आए हैं और तीनों की लोकेशन क्या आई है, माइनस ए और माइनस ए, तो ये तीनों जो पोल हैं ये यहां है, माइनस ए और माइनस ए, 3 पोल आ गए माइनस ए पर। अब तीनों जो पॉइंट है माइनस ए और जो सेंट, अब यहां से 3 एसिम्प्टोट्स जाएंगी, रूट लोकस ब्रांचेस 3 है और 3 ही एसिम्प्टोट्स हैं, किस एंगल पर जाएगी, एक 60 पर जाएगा, एक 180 पर जाएगा और एक 300 डिग्री पर जाएगा, और किस पॉइंट से जाएगा, ये जो पोल लोकेशन है इसी पोल लोकेशन से, क्योंकि सेंट्रोइड पॉइंट भी यही आया है माइनस ए, तो इसी पोल लोकेशन से ये जो एसिम्प्टोट्स है ये आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब माइनस ए पॉइंट यही है, एक जाएगा 60 पर, दूसरा 180 पर और तीसरा 300 डिग्री पर, तो ये बना दिया हमने एक 60 डिग्री पर, एक हो गया 180, मतलब नेगेटिव रियल एक्सिस, ये नेगेटिव रियल एक्सिस पर हो गया और एक हो गया 300 डिग्री। बात आई समझ में? तो क्या अब हम बता सकते हैं कि ये जो रूट लोकस है ये विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस सिमेट्री है, जैसा अपवर्ड में बन रहा है वैसा ही डाउनवर्ड में बन रहा है, तो ये हो गया कि भाई जो रूट लोकस होता है वो विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस सिमेट्री होता है। बात आई समझ में? ठीक है, हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट इज एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एक सिस्टम दिया हुआ है, ये सिस्टम जो है इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है के अपॉन एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ये एक आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया और यहां हमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दे दिया। ठीक है, आपको इसका रूट लोकस डिजाइन करना है कि भाई इसका रूट लोकस क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है इससे हम क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले g ऑफ s जो है ये हो गया हमारे पास k अपॉन
एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। यहां से हम नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, हम क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन पता करते हैं। क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है जी ऑफ एस फॉर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, दिस इज जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस। राइट, जी ऑफ एस की वैल्यू के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू अपॉन वन प्लस के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ बच गया एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू प्लस के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। दोनों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ बच गया हमारे पास के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू प्लस के। बात आई समझ में? हमने क्या किया, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था उससे हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। इससे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की यदि हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम जीरो के बराबर कर दें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता लग जाएगी, दैट इज एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो और एस क्यूब प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस के इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये जो इक्वेशन आई है ये एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम की अब हम सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। रूट लोकस हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम इसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं और हम देखेंगे कि ये जो स्टेबिलिटी हमने पढ़ी बाय यूजिंग आरएच क्राइटेरिया वो इस रूट लोकस में किस तरह से काम आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, पहला स्टेबिलिटी के लिए हम बात करते हैं कि भाई जो नेसेसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है कि जो सारे कोफिशियंट हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। एस क्यूब का कोफिशियंट पॉजिटिव है, एस स्क्वायर का कोफिशियंट भी पॉजिटिव है, एस का कोफिशियंट भी पॉजिटिव है, ये जो कांस्टेंट टर्म है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी क्या हो गया, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें पहली नेसेसरी कंडीशन क्या बोलती है कि जो है कि वो पहली चीज पॉजिटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन, राइट। दूसरी, कोई भी कोफिशियंट मिस नहीं होना चाहिए, एस क्यूब प्रेजेंट है, एस स्क्वायर भी प्रेजेंट है, एस भी प्रेजेंट है और के भी प्रेजेंट है, कॉन्स्टेंट भी प्रेजेंट है। बात आई समझ में? ये तो हो गया पहला स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, चूंकि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो अब हम सफिशियंट कंडीशन भी देखते हैं। थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए सफिशियंट कंडीशन क्या होती है कि जो बी सी है, बी इंटू सी, बी क्या था, एस स्क्वायर का कोफिशियंट, सी था एस का कोफिशियंट, उसकी वैल्यू ए इंटू डी, ए क्या था एस क्यूब का कोफिशियंट और डी था कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू ए डी से ज्यादा होनी चाहिए फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी, राइट। तो अब बी इंटू सी हो गया थ्री इंटू टू, That should be greater than A into C, 1 into K. तो K जो है वो less than हो गया 6. Meaning क्या हुआ कि यदि K की value 6 से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी, मतलब यदि K 0 से 6 के बीच में lie करेगा तो हम बोलेंगे कि सिस्टम स्टेबल सिस्टम। बात आई समझ में? ठीक है, दूसरी अब हम बात कर लेते हैं। सपोज अब यदि हम बात करें इफ k की वैल्यू 6 से ज्यादा हो जाती है, यदि k की वैल्यू 6 से ज्यादा हो जाती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा,
यदि के सिक्स से ज्यादा हो गया तो सिस्टम हो गया अनस्टेबल, और यदि सिस्टम अनस्टेबल है इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो रूट है वो कहां लाई कर रहे होंगे, आरएचपी में, चूंकि ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है और यदि इसमें के की वैल्यू सिक्स से ज्यादा हो जाती है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए कितने रूट आरएचपी में रहेंगे, दो रूट हमारे पास आरएचपी में रहेंगे, दो रूट इन आरएचपी। टोटल इस इक्वेशन के कितने रूट मिलेंगे हमें, थर्ड ऑर्डर है, तीन रूट मिलेंगे, दो रूट आरएचपी में चले गए तो एक रूट कहां मिल जाएगा हमें, वन रूट इन एलएचपी। बात आई समझ में, एक रूट हो गया एलएचपी में, ठीक है, ये हमने देखा। इसके बाद एक चीज और देखी हमने कि यदि इफ के इज इक्वल टू सिक्स हो जाता है, हमने बोला था थर्ड ऑर्डर सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे उसकी स्टेबिलिटी की देख रहे थे, तो हमने बोला यदि बीसी की वैल्यू एडी के बराबर हो जाती है तो उस समय सिस्टम क्या हो जाता है, उस समय सिस्टम हो जाता है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और यदि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो उसके जो रूट हैं वो कहां लाई कर रहे होंगे, वो जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। बात आई समझ में, तो के बराबर सिक्स पर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो जाएगा और इसके जो रूट होंगे वो कहां लाई कर रहे होंगे, जे ओमेगा एक्सिस पर। अब बात आती है कि जब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो इसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है यार, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, देखिए यहां हमने ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखा था फॉर थर्ड ऑर्डर सिस्टम, रूट सी बाई ए, रूट सी बाई ए दैट इज रूट सी बाई ए, ठीक है, रूट सी बाई ए की वैल्यू देखूं तो यहां से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ सी हो गया एस का कोफिशियंट दैट इज टू अपॉन एस क्यूब का कोफिशियंट दैट इज वन, तो इसकी वैल्यू आ गई रूट टू। मतलब जब के की वैल्यू सिक्स के बराबर है, सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, मतलब वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसकी जो ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी वो कितनी हो गई रूट टू। अब जब के बराबर सिक्स पर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है, रूट कहां लाई कर रहे हैं, जे ओमेगा एक्सिस पर, उनकी लोकेशन क्या होंगी, तो उनकी लोकेशन किस तरह से पता करते हैं कि जो ये ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी आती है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इन रूट की लोकेशंस होती है। तो क्या हम बता सकते हैं कि इस समय जो रूट होंगे वो कहाँ लाई कर रहे होंगे, रूट रहेंगे जे ओमेगा एक्सिस पर, एक तो हो जाएगा प्लस जे रूट टू और एक हो जाएगा माइनस जे रूट टू। ये अभी तक हमने देखा फ्रॉम स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन देखी और सफिशियंट कंडीशन देखी, ठीक है, ये अभी हम आगे काम में लेंगे इस पूरे डिस्कशन को। अब हम इसके रूट लोकस की बात करते हैं, रूट लोकस क्या हो, रूट लोकस हमारे पास सिस्टम क्या था, के अपॉन एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू, यही था सिस्टम। इस सिस्टम में सबसे पहली चीज नंबर ऑफ जीरोस क्या है, एम, क्या इस सिस्टम में कोई जीरो अवेलेबल है, कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, दैट इज जीरो। नंबर ऑफ पोल्स, दैट इज एन, नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, डिनोमिनेटर पार्ट को यदि हम जीरो के बराबर करें तो हमें नंबर ऑफ पोल्स मिलेंगे, तो एक तो मिला जीरो पर, एक माइनस वन पर, एक माइनस टू पर, नंबर ऑफ पोल्स हो गए। क्या इन पोल की लोकेशन, पोल की लोकेशन क्या आ जाएंगी, जीरो कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस टू। बात आई समझ में, ये तो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस, पोल्स एंड पोल लोकेशन। नेक्स्ट पॉइंट, पहली चीज जो रूट लोकस में हम बात करते हैं कि ये जो रूट लोकस होगा वो विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस सिमेट्री होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, रूट लोकस जो ब्रांचेज होंगी वो नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगी, तो रूट लोकस की जो ब्रांच है वो कितनी हो गई, थ्री। नेक्स्ट, ये जो रूट लोकस है, ब्रांचेज है, ये कहां टर्मिनेट होंगी, जीरोस पर या इंफिनिटी पर,
क्या अभी इस सिस्टम में कोई जीरो अवेलेबल है, कोई जीरो अवेलेबल नहीं है, तो क्या इन ब्रांच में से कोई ब्रांच जीरो पर टर्मिनेट हो सकती है, कोई भी ब्रांच जीरो पर टर्मिनेट नहीं होंगी, तो ये कहां इन टर्मिनेट होंगी, ये होंगी इंफिनिटी पर। तीन ब्रांचेस टोटल हैं, तीनों के तीनों ब्रांचेस कहां टर्मिनेट होने वाली है, इंफिनिटी पर। तो क्या हम बता सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं वो कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट। अब हमें ये पता लग गया कि तीन ब्रांचेस इंफिनिटी पर जा रही हैं, किस एंगल से जा रही हैं, तो अब हम क्या निकालते हैं, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। हमें पता है लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यदि तीन एसिम्प्टोट्स हैं तो उसके लिए एंगल होता है 60, 180 एंड 300, राइट। अब हम निकालते हैं कि भाई एंगल पता लग गया हमें एसिम्प्टोट का, अब ये जो एसिम्प्टोट है वो किस पॉइंट से जाएंगी, उसके लिए हम क्या करते थे, सेंट्रोइड निकालते थे। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, सम ऑफ फाइनाइट ओपन लूप पोल्स, ये जो पोल लोकेशन आई है इन सबका सम कर दीजिए, दैट इज 0 -1 -2 माइनस सम ऑफ फाइनाइट ओपन लूप जीरोस, क्या कोई जीरो अवेलेबल है, नहीं है, दैट इज 0 अपॉन एन माइनस एम, एन था 3 m 0, दैट इज 3 -0, हाउ मच, दिस इज -1। ये अभी तक हम जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था कि अपॉन एस प्लस ए होल क्यूब, उससे भी यहां तक हमने कैलकुलेट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां एक और पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज ब्रेक अवे पॉइंट। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम था, ये भी थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन उस वाले केस के लिए हमने ब्रेक अवे पॉइंट को कैलकुलेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां जो पोल थे तीनों के तीनों वो किस पॉइंट पर लाई कर रहे थे, वो तीनों एक ही पॉइंट माइनस ए पर लाई कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, ये जो सिस्टम है ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, और इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम में तीनों के तीनों जो पोल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर हैं। उस लास्ट वाले क्वेश्चन में यदि हम ब्रेक अवे पॉइंट निकालते तो भी वही आता जो कि सेंट्रोइड पॉइंट था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जो ब्रेक अवे पॉइंट है और जो सेंट्रोइड पॉइंट है वो दोनों अलग अलग आएंगे। वो देखिए हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए हमने क्या बोला था कि यदि कोई जीरो अवेलेबल है तो किस तरह से डिजाइन करते हैं और किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और यदि जीरो अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इस सिस्टम में जीरो अवेलेबल नहीं है तो इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 upon s + 1 upon s + 1 + 1 upon s + 2 = 0। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, कोई जीरो अवेलेबल नहीं थी, जीरो के बराबर कर दिया, s into s + 1 into s + 2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, s + 1 into s + 2 + s into s + 2 + s into s + 1, दैट इज 0। सिंप्लीफाई करते हैं, s² + 3s + 2 + s² + 2s + s² + s = 0। दिस इज s² 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 3s² + 3s 2s, दिस इज 6s + 2 = 0, राइट। थ्री ये आ गई आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम एस की वैल्यूज पता करते हैं, तो इसको हम किस फॉर्मूले से, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -b + √(b² - 4)(2)(3)/(2)(a), दैट इज -6 + √(36 - 24)/6, दैट इज -6 + √(12)/6, और दिस इज -6 + - आ जाएगा 2√(3)/6। एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, तो हमें एस की दो वैल्यूज आती है, एक तो आता है -0.42 और एक आता है -1.57। हमें दो ब्रेक अवे पॉइंट यहां से प्राप्त, बात आई समझ में, ये सब चीजें हमने निकाल ली जो भी कंस्ट्रक्शन रूल्स थे वहां से।
अब हम इसका रूट लोकस बनाते हैं कि रूट लोकस क्या होगा। पहली चीज, रूट लोकस में हमने एस प्लेन बनाया, ये हो गई सिग्मा एक्सिस, दिस इज जी ओमेगा एक्सिस। पहली चीज हम क्या करते हैं, जो ओपन लूप पोल्स हैं उनको नोट कर लेते हैं। ओपन लूप पोल कहां कहां आए थे? एक तो आया था जीरो पर, एक आया माइनस वन पर, और एक आया माइनस, ठीक। ये हमने ओपन लूप पोल्स बना लिए। सबसे पहली चीज हमने एंगल क्राइटेरिया से देखा, क्या हम बता सकते हैं जीरो और वन के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा? जीरो और वन के बीच में रूट लोकस को एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके राइट साइड में आने वाले नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस का एडिशन करते हैं। यदि वो एक ऑड नंबर आता है तो हम बोलेंगे कि वहां रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। तो यदि मैं इस पॉइंट पर, इस जीरो और माइनस वन के बीच में कोई एक पॉइंट लेता हूं, तो इस पॉइंट के राइट साइड में एक ही पोल मिल रहा है, दैट इज ऑड नंबर, तो यहां रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। बात आई समझ में? क्योंकि इस जीरो और माइनस वन के बीच में कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक है, उसके राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? वन, कोई जीरो अवेलेबल नहीं है, दैट इज ये हो गया एक ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो यहां रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। माइनस वन और माइनस टू के बीच में यदि मैं बात करूं, तो इनके बीच में यदि कोई भी पॉइंट लेता हूं, तो इसके राइट साइड में आने वाले ओपन लूप पोल्स और जीरोस एक इवन नंबर है, दो पोल आ रहे हैं, ठीक है, एक इवन नंबर हो गया, तो यहां रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां रूट लोकस नहीं होगा। बात करते हैं माइनस टू से माइनस इंफिनिटी तक, इसके राइट साइड में आने वाले नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस ऑड नंबर है, तो यहां भी रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। ये हो गया रूट लोकस, ठीक है, कि भाई जीरो और माइनस वन के बीच में भी रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा और माइनस टू से माइनस इंफिनिटी के बीच में भी रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है कि भाई ये रूट लोकस बनेगा किस तरह से। ये तो कब थे, जब जीरो माइनस वन और माइनस टू, ये रूट कब आए होंगे, जब गेन कितना रहा होगा, जीरो, तो यहां तो गेन हो गया के बराबर जीरो, यहां हो गया के बराबर टू, और यहां हो गया के बराबर। तो अब जैसे, सॉरी, ठीक है, तो अब जैसे जैसे मैं गेन को बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, ये जो दोनों पोल थे, ये दोनों पोल एक दूसरे के पास आना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो माइनस टू पॉइंट होगा, ये इस लाइन पर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इस पॉइंट, इस लाइन पर भी रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। बात आई समझ में? तो जैसे जैसे हमने गेन को बढ़ाया, ये जो पोल है वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ये जो पोल है ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे गेन को बढ़ाया, ये जो दोनों पोल है ये एक दूसरे के पास आएंगे, पास आने के बाद में और गेन को यदि मैं बढ़ाऊंगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भी जाना स्टार्ट हो जाएंगे। रूट लोकस ब्रांचेस कितनी हैं? तीन, तो तीन ब्रांचेस यहां बनेंगी, ठीक है, और तीनों ब्रांचेस कहां टर्मिनेट होंगी? इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होंगी, एक 60 पर, एक 180 पर, और एक 300 पर। तो होगा क्या, पहली चीज, जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास आएंगे तो यहां आके ज्वाइन हुए और दोनों एक दूसरे से अलग हुए, मतलब यहां एक ब्रेक अवे पॉइंट अवेलेबल होगा, किसके बीच में? जीरो और माइनस वन के बीच में। माइनस वन और माइनस टू के बीच में क्या कोई ब्रेक अवे पॉइंट अवेलेबल हो सकता है? जब यहां रूट लोकस ही एग्जिस्ट नहीं है, जब यहां रूट आएंगे ही नहीं, तो यहां ब्रेक अवे पॉइंट कैसे आएगा? ब्रेक अवे पॉइंट क्या है? जहां रूट आकर एक दूसरे से अलग हो रहे, वो ब्रेक अवे पॉइंट है। तो माइनस वन और माइनस टू के बीच में कोई पॉइंट यदि होगा, ब्रेक अवे पॉइंट यदि कोई आता है, तो क्या वो रूट लोकस पर होगा? वो रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो माइनस 1.57 है, ये तो रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां से हमें एस की दो वैल्यूज मिले थे, मतलब एस ब्रेक अवे पॉइंट दो मिले थे, एक -0.42 और एक -1.57।
तो हमें ये पता लगा कि भाई ये जो -1.57 है ये -1 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, जिस जो कि रूट लोकस पर एग्जिस्ट ही नहीं है। तो ये जो -1.57 है ये रूट लोकस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी ब्रेक अवे पॉइंट नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट कितना रह गया, केवल और केवल एक, एस इज इक्वल टू -0.42। बात आई समझ में? मतलब क्या होगा, s इज इक्वल टू -0.42 पॉइंट जहां कहीं भी होगा, इस पॉइंट पर आकर ये दोनों रूट एक दूसरे को मिलेंगे और यहां से अलग हो जाएंगे, तो ये पॉइंट हो गया हम -0.42। बात आई समझ में? ये -0.42 कब, जबकि हमने गेन को क्या किया, जीरो से बढ़ाना स्टार्ट किया। जीरो से बढ़ाते रहे तो ये जो रूट है वो जीरो से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, ये रूट यहां मूव करना स्टार्ट कर दिया। एस इज इक्वल टू -0.42 पॉइंट ऐसा था जहां ये दोनों रूट आकर एक दूसरे को मिलके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आपने क्या किया, गेन को बढ़ाया, गेन को बढ़ाने से ये दोनों रूट आकर 0.42 पर मिल रहे, ठीक है। तो आपने कितना गेन किया होगा कि ये जो दोनों पॉइंट -0.42 पर आएंगे, आपने गेन कितना रखा होगा कि ये दोनों रूट आकर -0.42 पर मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसके लिए हम पढ़ते थे मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि इवेंस मेथड में दिया था। उसका हमने एक और तरीका निकाला था कि हमको यदि के की वैल्यू पता करनी है कि भाई के की किस वैल्यू के लिए ये दोनों जो रूट होंगे वो -0.42 पर आकर मिल रहे होंगे, गेन आपने कितना किया होगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ फ्रॉम ओपन लूप पोल्स टू रूट एस वन। जिस पॉइंट के लिए आपको गेन की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट की जो भी पोल्स हैं उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, और उन डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दीजिए। जैसे मुझे एस इज इक्वल टू -0.42 के लिए पता करना है कि गेन क्या है, तो इस -0.42 की ओपन लूप पोल्स, पोल्स कितने आए 0, -1, -2, इन तीनों से लेंथ निकाल लेता हूं। लेंथ कितनी आएगी, ये आ जाएगी यहां से यहां तक की लेंथ हो गई 0.42, 0 से 0.42, राइट। 0.42 से -1 की यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 0.58, यही हो जाएगा, मैं केवल लेंथ की बात कर रहा हूं, 0.58 इन इस 0.42 की -2 से डिस्टेंस, दैट इज 1.58। बात आई समझ में? हमने क्या किया, तीनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां से डिवाइड डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम ओपन लूप जीरोस। क्या इस सिस्टम में कोई जीरो अवेलेबल है, कोई भी जीरो अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। बात आई समझ में? हमने क्या किया था, हमने ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम कि भाई गेन को जब जीरो किया तो रूट था 0 पर -1 पर -2 पर, हमने गेन को इंक्रीज किया तो हमें पता लगा 0 और -1 दोनों पॉइंट आकर 0.42 पर मिल जा रहे हैं। अब हमें ये पता करना था कि भाई गेन की वैल्यू हमने क्या रखी होगी जिससे कि ये दोनों पॉइंट 0.42 पर आकर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने गेन निकाला कि प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ फ्रॉम ओपन लूप पोल्स टू द रूट एस वन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द फेजर लेंथ फ्रॉम ओपन लूप जीरो टू द रूट एस वन, राइट। ये हमने लेंथ निकाल ली और इनका प्रोडक्ट कर लिया, तो यहां से हमें पता लगा कि जो गेन है उस के है उसकी वैल्यू आती है 0.38। इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं हम, इसकी वैल्यू आएगी 0.38। बात आई समझ में? तो यहां जब रूट 0.42 पर आ गए होंगे तो हमने गेन कितना किया था 0.38। हमें गेन कहां से कहां तक करना था, जीरो से इन्फिनिटी तक, 0.38 पर आकर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को जॉइन कर जा रहे। बात आई समझ में? इसके बाद क्या होगा, ये दोनों पॉइंट यहां आकर मिल रहे, इस पॉइंट पर आकर मिल रहे। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों पॉइंट यहां से ब्रेक अवे हो जाएंगे। ब्रेक अवे होने के बाद में देखिए अब एसिम्प्टोट्स ये कहां जाएंगे, इन्फिनिटी पर जाएंगे। कितने एंगल पर जा रहे होंगे, 160 पर जाएगा एक एसिम्प्टोट, 180 पर जाएगी और तीसरी एसिम्प्टोट 300 डिग्री पर जाएगी। मतलब ये जो एसिम्प्टोट है ये तो गई 60 पर, ये जो एसिम्प्टोट है ये गई 300 डिग्री पर, और ये जो एसिम्प्टोट होगी ये कितनी पर जाती जा रही है, ये तो इन्फिनिटी पर जाती जा रही है बाय एंगल 180 डिग्री।
तीन एसिम्प्टोट्स गई, एक 60 डिग्री पर इन्फिनिटी पर गई, एक 180 डिग्री पर इन्फिनिटी पर गई और एक 300 डिग्री पर जाकर इन्फिनिटी पर जा रही। बात आई समझ में? ठीक है, तो अब हमें पता लगा कि जब ये एसिम्प्टोट इस जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रही होगी, जे ओमेगा पहली चीज ये किस पॉइंट पर जाकर इसको कट करेगी ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर जब ये कट कर रही होगी उस समय गेन की वैल्यू क्या रही होगी। बात आ रही है समझ में कि भाई ये किस पॉइंट पर जाकर कट करेगी और उस समय गेन की वैल्यू क्या रहेगी। तो ये जो चीज है ये हम कहां से देते हैं, ये हम देते हैं हमारे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज आरएच क्राइटेरिया। क्यों? आरएच क्राइटेरिया क्या बोलता है कि जब के की वैल्यू 6 के बराबर होगी उस समय जो सिस्टम होगा वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम पर जो रूट है वो कहां लाई कर रहे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पर। हमने क्या बोला जब रूट लोकस बनाया, तो उस समय हमने क्या बोला कि ये पॉइंट रूट लोकस पर, सॉरी, जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। जे ओमेगा एक्सिस पर यदि ये पॉइंट लाई कर रहे हैं तो अब सिस्टम कौन सा हो गया होगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है मतलब इनकी जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, रूट। हमने निकाली कि जो ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी रह जाएगी, रूट टू। और इन पॉइंट की जो लोकेशन है वो कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस जे रूट टू। जब रूट जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहे होंगे उस समय रूट की जो लोकेशन हो गई वो तो हो गई जे रूट टू और ये हो गया माइनस जे रूट टू। ठीक है, और इस समय सिस्टम क्या हुआ, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। मतलब अब ये सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होगा विद द फ्रीक्वेंसी रूट टू। बात आई समझ में? अब बात ये आती है कि भाई सिस्टम ने क्या किया, जो रूट थे वो जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहे हैं। जब ये जे ओमेगा एक्सिस को कट कर रहे होंगे उस समय गेन की वैल्यू कितनी रही होगी। जब ये सिस्टम जे ओमेगा एक्सिस पर लाई कर रहे हैं मतलब सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के लिए हमने देखा कि जो गेन है उसकी वैल्यू कितने निकल के आई थी, के इज इक्वल टू 6। मतलब जब ये रूट यहां पहुंच गए जे रूट टू पर तो इस समय गेन कितना हो गया, गेन हो गया के इज इक्वल टू 6 और यहां भी हो गया गेन के इज इक्वल टू 6। बात आई समझ में? गेन की वैल्यू के इज इक्वल टू 6 पर जाकर सिस्टम के जो दोनों रूट है वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करना स्टार्ट कर दिए तो ये सिस्टम हो गया मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। अब यदि मान लीजिए मैं गेन की वैल्यू को 6 से और ज्यादा इंक्रीज कर देता हूं, यदि गेन की वैल्यू को हम सिस्टम और इंक्रीज कर देते हैं तो रूट कहां चले गए, आरएचपी में। और यदि रूट आरएचपी में चले गए, ये भी रूट आरएचपी में गया, ये भी रूट आरएचपी में गया, तो सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम। और हमें पता है अनस्टेबल सिस्टम यदि होगा तो कितने रूट आरएचपी में रहेंगे, दो रूट आरएचपी में रहेंगे और एक रूट एलएचपी में रहेगा। यहां से यदि हम रूट लोकस से देखें तो हमें भी यही पता लगता है कि एक दो रूट, ये वाला रूट और ये वाला रूट, ये दोनों रूट तो गए आरएचपी में, एक ही रूट एलएचपी में। बात आई समझ में? क्यों, गेन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो कहां जाता जा रहा है, 180 डिग्री वाली लाइन पर चलता जा रहा है, इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन गेन की वैल्यू को 6 से ज्यादा बढ़ाते ये दोनों रूट जो हैं वो आरएचपी में चले जाते हैं। और आरएचपी में जाने के बाद में ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है। कब, जब गेन की वैल्यू को हमने 6 से ज्यादा कर दिया। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम बताते हैं कि भाई गेन की वैल्यू क्या होगी, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल ट्रब होगा, गेन की वैल्यू कम रखें तो क्या होगा। अब देखिए जब गेन की वैल्यू 0.38 से तो ज्यादा थी लेकिन 6 से कम है, 0.38 पर जाकर ये दोनों रूट एक दूसरे से अलग अलग हो गए, एक रूट यहां चला गया और एक रूट यहां चला गया, तो इस समय क्या हम बोल सकते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट मिल रहे हैं। यदि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट मिल रहे हैं कब, जब हमने गेन की वैल्यू को 0.38 से 6 के बीच में रखा तो हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट मिले। और क्या हम बोल सकते हैं कि इस समय सिस्टम अंडर डैम्ड सिस्टम हो जाएगा। क्यों, अंडर डैम्ड सिस्टम में क्या होता है, हमें रूट जो मिलते हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलते हैं, तो इस समय जो ये रूट है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो इस समय जब गेन की वैल्यू 0.38 से 6 के बीच में थी तो इस समय जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, दैट मीन सिस्टम क्या हो गया, अंडर डैम्ड सिस्टम। जब गेन की वैल्यू, मतलब गेन यदि 0 से
सॉरी 0.38 से 6 के बीच में सिस्टम क्या हो जाएगा? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। यदि गेन की वैल्यू 6 हो गई तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, और यदि गेन की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो गई तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल सिस्टम। और अनस्टेबल सिस्टम होते ही ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल सिस्टम होते ही दो रूट आरएचपी में चले जाएंगे और दो रूट एलएचपी में, सॉरी एक रूट एलएचपी में चला जाएगा। बात आई समझ में? तो किस तरह से हमने इस क्वेश्चन में ब्रेक अवे पॉइंट को काम में लिया? पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि रूट एक ही लोकेशन पर लाई कर रहे थे, वो वहीं से ब्रेक अवे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दोनों रूट की लोकेशन अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे और तब जाके ब्रेक अवे होंगे, तो हमें यहाँ ब्रेक अवे पॉइंट निकालने की आवश्यकता पड़ी। बात आई समझ में? गेन की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं? गेन ज्यादा होते ही जब जे ओमेगा एक्सिस पर ये कट कर रहा होगा उस लोकेशन को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? उस लोकेशन को हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग आरएच क्राइटेरिया। आरएच क्राइटेरिया से हम बताते हैं कि आप गेन की वैल्यू को कैसे बढ़ाओगे, तब जाके सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा या अनस्टेबल सिस्टम होगा। बात आई समझ में? दूसरी चीज रूट लोकस देखिए, हमने क्या बोला, सबसे पहली चीज ये जो होगा रूट लोकस वो रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्री होगा। ये रियल एक्सिस हो गई, इस रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये सिमेट्री है, जैसा अपवर्ड में और वैसा ही डाउनवर्ड में है, तो ये रियल एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी सिमेट्री हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी सिस्टम के लिए हायर ऑर्डर सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लें, रूट निकाल लें, गेन की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रूट कहाँ लाई कर रहे हैं। यदि हायर ऑर्डर सिस्टम है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे बेसिक रूल्स हैं उनको काम में लेंगे और उसके बाद में हम रूट लोकस को डिजाइन करेंगे। यहाँ हमने आरएच क्राइटेरिया भी काम में लिया स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि कब ये जो ओमेगा एक्सिस को कट करेगा, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया काम में लिया, आरएच क्राइटेरिया, और हमने कंस्ट्रक्शन रूल्स देखे ऑफ रूट लोकस। बात आई समझ? ठीक है, आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे।